नमस्कार दोस्तों, सारे किसान साथियों को और युवा साथियों को भाई आपके अपने भाई छोटे भाई रवि का नमस्कार। भाई दोस्तों, आज की वीडियो हमारी स्पेशल है। पूरे गांव डाणा में रुका पाट रहा संदीप डाणा ऐसी गाय ले आया कि भाई वाह, पिछले किसान के घर पर उसने 16 किलो दूध दिया। भाई दोस्तों, आज यह चीज देखने के लिए बगैर बताए संदीप का घर पहुंचे हैं। डायरेक्ट संदीप तो देखांगे भाई वो के कर रहा है के नहीं। भाई दोस्तों, आप देख सकते हो ये संदीप का घर है। बगैर फोन करे मैं जान लग रहा हूँ, बगैर इसकी बताई सीधा इसके पास लेकर चलाएंगे, देखांगे के कर रहा के नहीं। और गाय देखांगे किसी ले रहा है किसी नहीं। भाई संदीप डाणा अड़ा को नहीं पाया, देखो कित है, कड़े लुक रहा है कड़े नहीं रहे, सारी डिटेल भाई किसान साथियों युवा साथियों आपको दिखावांगे। संदीप डाणा कित है कित है, अरे 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 यू पा गया के कर रहा है सारी बात फिर करांगे। अच्छा रुका पट रहा संदीप का, इसीलिए आया संदीप इसी का लिया बेरा नुका पासला ब्याज पे। इसने 15-16 किलो किसान का घर जो तोलिया है। अरे भाई देखो कितना शानदार, वाह, जिसने आप कह दिया बहुत ही बेहतरीन हरियाणा ब्रीड की गौ माता, सुंदर शांत शालीन। भाई दोस्तों, युवा किसान साथियों, आज एक चीज समस्या सबसे ज्यादा आती है कि भाई हम जो हमारा युवा साथी है वो गाय या अपना पशुधन ले आता है, वो फिर उसका सही रेट में नहीं बिकता। उसकी वजह क्या है भाई दोस्तों, कि हम ऐसे ही किसी भी चीज के पैसे लगा देते हैं। भाई ज्यादा रखने से अच्छा एक रख लो लेकिन सुंदर और लाजवाब रखो, ताकि भाई उसका अच्छा दाम भी मिले और किसान का सहयोग भी मिले। भाई दोस्तों, मैं एक बात आपको बता दूं कि हमारे गोवंश की सही मायने में कदर जब होगी, जब हमारा किसान का घर मजबूत होगा, क्योंकि किसान ही एक ऐसा है जिसके पास इतना दिल है भाई दोस्तों, कि वो ना चाहते हुए भी चाहे कितना उसका नुकसान लग जाए अपना छाती में मुक्का मार के बैठ जाए। भाई दोस्तों, आज यही चीज मैं आपको दिखाऊंगा। भाई देखिए कितना शानदार अपनी हरियाणा ब्रीड की गौ माता है, बहुत ही सुंदर बेहतरीन, और क्या कहते हैं भाई देखो एक जो बछड़े को इसने जन्म दे रखा है, कितनी सुंदर और लाजवाब आई का ये बछड़ा। भाई दोस्तों, भाई संदीप आज बगैर फोन करे आने की यह हमारी इच्छा थी, मगर इसका रेड मारांगे। अच्छा, अरे इसका पूछांगे। अच्छा, कितना लाया कितना नहीं। भाई देखिए कितनी शानदार गौ माता की डिटेल दो भाई। भाई सबसे पहले तो कहना मैं आपके चैनल देखने वाले को मेरी राम 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 राम। तो आप रवि बताओ भाई, एकदम तेरा आना किस तरह होया? भाई तेरे कई बार फोन आए नुले रूस रहा है रूस रहा है, मैं भाई रूस नहीं रहे, बिना बताए आऊंगा जिस दिन भी आऊंगा। अच्छा सरप्राइज दे दिया भाई, इंग्लिश में क्या कह रहे हैं सरप्राइज। तो क्या देख भाई अपनी दो, वाह भाई वाह, एक हैवी लोटी का साथ। अरे लोटी को नहीं थन देगी सा मोटा थन पावा को नहीं, ये हूँ असली थन ब्रीड की। ये देख और बिना नया नया देख, वाह भाई वाह वाह, ये देख है कितनी शाब भाई वाह। अब इसमें एक समस्या और राजे है, लोग कहते हैं गाय में तीन थनी है, कुकते थन है, दो थन है कुकर है, वहां तो कोई समस्या नहीं। ना 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 ना, चार थन भाई ओके, चार थन ओके भाई है। मैं फिर एक विषय बात गो माता थोड़ी चला के दिखा भाई। हाँ चला जाएंगे भाई, ले भाई ये देखो शांत हमारी हरियाणा ब्रीड की गो माता, बाहर थोड़ा गर्मी की वजह से भाई बाहर आने का इसका दिल नहीं है, लेकिन भाई दोस्तों सेल के लिए है तो चला के भी दिखानी जरूर पड़ेगी भाई गौ माता। ये देखिए भाई क्या शानदार एक हम दृश्य बोल देते हैं भाई, हैवी लोटी के साथ अडर क्वालिटी के साथ। आपा इसको कहते हैं अगर स्टारों में गिनती करें तो भाई इसके आगे सारे स्टार फेल हैं, एक सुपरस्टार हरियाणा ब्रीड की गौ माता। और संदीप भाई सेल के लिए कुकर है या नो बता बस मैं नहीं, तू भाई बेच देंगे अपना तो बेचने का ही काम है, गाय लेने का और बेचने का। हाँ हाँ ठीक है, पहले गाय की डिटेल दे देंगे सारी, फिर भैया ने बता देंगे। तो भाई गाय की डिटेल दे साथ के साथ भाई, चलते चलते भाई गाय की डिटेल यह है, अगले किसान ने मेरे तो बताई चौथे ब्याज की। अच्छा चौथे ब्याज की बताई है। हाँ और तड़े भाई काफ के है, बछड़ा बछड़ी बछड़ा भाई प्योर हरियाणा नस्ल का, प्योर हरियाणा ब्रीड की, जो करेक्टरिस्टिक की हम बात करें टकने से ऊपर पूंछ और भाई एक अच्छी हाइट के साथ हरियाणा शुद्ध हरियाणा। अरे इसकी माँ ने दिखाओ ना भाई, पहले तो पहले माँ दिखाओ, देखिए रे इस तरह ज्यादा और के शुद्धि होगी भाई। सही बात है भाई, ये देख बहुत शांत कह दे, चाहे न्याणा ले आओ किम्मे कर ले भाई,
उरे काट ले दूध इसका तो। अच्छा हाँ हाँ बताया देवगा कह मैं दे देंगे भाई क्या बोल तू बता कह की मैंने देख मेरा हिसाब से तो देखो गौ माता की कीमत लगाना एक बेकूफी है। कीमत तो भाई गौ माता की हम लगा भी नहीं सकते। सही बात ठीक है मोटी सी बात तो है या बस एक ये जरिया है नाम जरूर टेकना पड़ा है क्योंकि अभी अपनी मजबूरी हो है। सही क्योंकि बात हम भी पैसे दे के ले आवा ठीक है लेकिन इसकी कीमत लगाने वाला आज तक ना तो कोई पैदा हुआ है और ना कभी होगा। बिल्कुल सही बात और जब तक किसी की जेब में से पैसा नहीं लगेगा ना भाई इतना गाय की कोई कदर भी नहीं करेगा। हाँ यह भी बात सही ठीक है। अरे हम कोई खेत में चल गए जामुन का पेड़ा मिल गया अपन है और उस पर भरपूर मात्रा में हमारे जामुन लग रही है तो अपन सोचेंगे या खावांगे या खावांगे या खावांगे और वह जो 100 रुपये पहिया अपन रेडी में मिला है ना वो नमक गिर के दे देगा चाहे उसमें कच्ची हो चाहे पक्की हो अपन उसमें भाज भाज खावांगे पेट पर जाने के बाद हम उसको छाट छाट के खावांगे। अगर भाई शालीनता की बात करें गौ माता की भाई देखियो मैं अनजान हूँ पहली बार गौ माता के पास आया हूँ ये देखिए भाई कितनी शांत गौ माता है। अगर हम बात करें माथे में वही है अपना है विप कोल के साथ। अरे देखो भाई ये देखो रही दूध पी लो इतना सूती तो क्या होगी भाई वो कहा करे भाई सूता डांगर बिना के नाम है रवि लेना भी नहीं चाहिए गौ है या हाँ गौ जो कहा करे ना हाँ। अच्छा ये बे तू भी आ रहा है चाहे तू भी इसका भाई हाथ लगा के देख ले गर्मी भीतर 50 आदमी बीच में दूध काट ले। एक भाई अपना भाई ने नाम लेने से मना किया था किसी भाई के पास थी उस भाई ने ले ली थी मैं गया मैंने देखी भाई गौ तो बड़ी सुंदर है फिर पता लग गया भाई उस भाई ने ले ली भाई ने ले ली तो ये पूछ लू उसे भाई ने बताया मेरा आगे। अच्छा मैं तो बिना बताए जाऊंगा मेरी अच्छा उस भाई ने मेरे तय मैंने मेरी इज्जत रखी उस भाई का भी चांस है और जिस भाई का करा थी भाई वो तो फिर एक अलग उसका तो नाम ही अलग हो गया वो तो इसने हीरा खड़ा कर रखा था आपका करा तो उस भाई ने दे दी उस भाई तय मैं गया मैंने एक गाय और थी वह देखी मैंने फिर मैंने ला भाई गाय मैंने दे दे उसने मेरा मान रखा भाई उस भाई का कहना मैं तय दिल से बार बार धन्यवाद करना चाहूंगा ठीक है। बात उस भाई का नाम भी ले दिया नाम लेने खातर भाई ने मना कराया था नहीं नाम ले देता मैं भाई ने मना कराया था इनाम ने तो क्या अपना भाड़ा लगा हुआ है उसे भाई ने मेरी बताई दिन ले रवि कह रहा बुलाना तो तू था मैंने फिर बस शरम शरम में भाईचारा में देनी पड़ेगी तो संदीप कह तू जा तू अपन जाए थे क्या बन भाई रवि इसने ठीक है फिर अपने घर पर जिस दिन आया उस दिन रात ने इसने बच्चा दे दिया ठीक है अब इसकी दूध निकालने की मतलब आज शाम ने खाली हो जाएगी खीस खाली आज होगी आज हो जाएगी तो भाई कितना खीस दिया इसने खीस तो अब पूरा खाली होगी भाई पूरा एकदम गाजर गाय ना या भैंस ना अगर आप खाली करा ना गर्मी का टाइम हो गया तो कैल्शियम वगैरह मतलब संपात मास का है तो मतलब 1-1.5 किलो दूध छोड़ दिया था सवेर में अरीब शाम ना फिर तेरे देख ले तेरा गए होले उठा तो जिस तरह चढ़ती जाओगी उतना दूध बनाती जाओगी इवनू बता हाँ क्या किलो दूध की है गौ माता जमा तेरे हिसाब से भाई मेरे हिसाब से दूध नहीं बेरा गाय कितना काट दे। अच्छा हाँ 16-17 की उम्मीद पा रही है दूध या केवरा 20 भी काट दे कटवाणी में दम होना चाहिए लेकिन आप आज अगर इसकी मैं तो नहीं सोचू था मैं दिन रवि ने बुलाऊंगा और फिर इसकी के नाम है लाई मिल्किंग चलावांगे मेरे लपे भी और तेरा लपे भी भाई दूध रिकॉर्ड करावांगे एक बार इसका किसान और करावांगे सिंपल है इसने नहीं देवा कैल्शियम की गोली भी जो अपना जो देसी तरीका में दाना चारा हो ना उस तरीके तो नू देखांगे क्योंकि जो भी किसान लेके जाएगा रवि मोटी सी बात यह है वो देसी दाना चारा जो आप दिन दे आए हाँ ये तो सेल परचेज का काम करा हमने तो हम भी तो जमींदार के बेटे हाँ जो अपना हम खुआ चाहिए चने चाहे मोठ चाहे मूंग ये हो गया नेचुरल प्राकृतिक सिस्टम कैल्शियम ये न्यूट्रोटाइट फलाना दिखड़ा ये जो चीज आप देवांगे वो हो गया प्रोडक्ट ठीक है उससे माले 1-2 किलो दूध बढ़ा देगी 3 भी बढ़ा दे भाई अगर गाय रच जाए तो लेकिन आप करांगे देसी पे और दूध रिकॉर्ड करा के फिर बतावांगे भाई के नाम है अब इस गाय के नीचे इतना दूध है या नहीं है भाई बाहरी थना का साथ जो ऐसे कहते थन ये हुए हैं और वेन की बात करें तो भाई लोटी में तो हम देख सको कितनी हैवी वेन गाय का सिस्टम क्यों हो भाई गाय इसी है ना दूध वाली आप इसका साइज बना जाइयो भाई साइज इसका कॉम्पैक्स है भाई मैंने कहा इसकी हाइट लंबी तगड़ी नहीं है जितने आप अगर बात कह जाओ हाँ हाइट नहीं देखनी हमने इसकी
दूध देखना है, हमने इसके करेक्टर लेने हैं। वीर साहब नगुलू का चैनल पे इतने एक बात कही थी, नूला भाई हरियाणा नस्ल को संवारने के लिए हमें 10 साल लगेंगे। 10 साल लगने का कारण क्या है, वीर साहब भाई ने कही रुद्रनाथ खतर भाई यो चलो इसकी बेटी हमने नहीं बेरा बार दूध पे नहीं आई, केवरा 5 किलो भी दे दे, केवरा 20 किलो भी दे दे, लेकिन हमने क्या करना, हमने इसके पास से एक अंश लेना है इसका, हम्प का, ठीक है, सुंदरता का, सुंदरता ले ली, हम्प ले लिया, दूध मन मन इस गाय का बछड़ा बड़ा हो गया भाई, अच्छी माँ का दूध का है, दूध इस ले लिया और करेक्टर किसी से ले लिया, तो 10 साल लगेंगे भाई हरियाणा नस्ल को अभी संवर्धन करने के लिए। ये भी अब पुराने बल्ड लाइन की गाय होगी, ये तो हम पुरानी जो चीज है उसने नया पुराना कर रहे हैं भाई। जैसे अपनी नोरा बछिया है, नोरा बछिया हमने पाली पोसी, ये भी अब ब्याह होगी तो यह होगी हमारी होम ब्रीड, तो अब इससे नस्ल संवर्धन होगा, पता लगेगा भाई अब इस बछड़ी ने कितना दूध दिया। तो किसान साथियों मेरा वीडियो बनाने का यही रहता है कि भाई अच्छा गोवंश मेरे यूट्यूब देखने वाले साथियों को मिले और एक बढ़िया क्वालिटी वाला गोवंश मिले या पशुधन मिले, कुछ भी भाई मेरा एक बढ़िया चीज आप लोगों तक पहुंचाने का उद्देश्य रहता है। भाई दोस्तों कोई भी चीज आप अगर आप चैनल पे वीडियो देखते हो, जब आप खरीदते हो तो भाई अपनी तसल्ली के साथ अपनी जो कहते हैं ना भाई धार दुडोका देख के 3 बैगा 4 बैगा जब तारा पेटा भरा भाई जब लो, और ताकि भाई जो भाई बेचने वाला है उसकी भी संतुष्टि हो और खरीदने वाले की भी संतुष्टि हो। हमारा उद्देश्य यही रहता है कि भाई एक अच्छा गोवंश आपके सामने लेके आए और आपको दिखाएं, ताकि अच्छे जो अपने गोपालक है भाई जो खरीदना चाहते हैं उनको मिले। मैंने पहले बताया भाई देखो ऊँ भीड़ इकट्ठी करने का कोई फायदा नहीं, एक पशुधन या एक गोवंश अच्छा रखो, बढ़िया दूध का बढ़िया रहेगा, ताकि भाई घर में सुंदर भी लगे और अच्छा भी लगे। भाई दोस्तों अब बात करते हैं इसकी दूध की, संदीप भाई। हाँ भाई, दूध की इतनी क्षमता, इसकी क्षमता कितनी है? दूध मैंने बताई थी भाई 16-17 की, तो अपने दौर है उम्मीद पारी है, उम्मीद पारी है, और कैमरा भाई 16-17 पे बिरे जा या 15 पे बिरे जा, वही भी इसका आज खींचता जब खाली होगी इसमें पता लग जाएगा। अब यह ठीक ढंग से थोड़ी थोड़ी चरण लग गई है, चरने की तो दूध घटता होगा भाई, मोटी सी बात यह है, क्योंकि जब एक पशु एक बार बच्चा दे है, भैंस हो चाहे गोवंश हो। अब सेल की बात करा, सेल का है कि भाई सेल आज तो अगर सेल करेंगे तो 75,000 रुपये की करेंगे, जो देने वाला रेट बता दिया वीडियो के अंदर, देना देना 75,000 रुपये की दे देंगे, और 4 टाइम को नहीं 10 टाइम अपना डोलू बजा के लीटर नाप के लीजिए भाई, लीटर है तो नाप है, किलो कांडा का तोला, कांडा भाई अपने कहना सह को नहीं, कांडा अगर कोई भाई तोलदा होना तो कांडा अपनी गोज में लिया हुआ भाई, यानी कि तोल का थोक बजा के लेके जा, तोल बजा के, थोक बजा के और तोल बजा के, तोल बजा के, थोक और तोल बजा के गाय ले जानी हो तो संदीप डाणा और गांव वाला प्यार है, सत्य शाणा गांव इसका डाणा, हाँ तो अपने गांव में आ जाना भाई, भाई इसके गांव में आ जाना। और आज क्या है रेट है, जब इसका पूरा दूध बन जाएगा देख भाई रवि, वो मेरी मेहनत है, फिर रेट अलग होंगे, फिर रेट अलग, ठीक है, हाँ। इसमें ना तो किसी भाई का एतराज ना कुछ, और वो मेरी मेहनत है, फिर वो आपकी मेहनत है, ठीक है, आज का मोल दे दिया, आज का मोल दे दिया 75,000 रुपये, अपने लीटर अपना करा है, अंडा तोल करे तो अपना लिए ही हो भाई, अंडा तोल करे तो ले आओ भाई, और ये भी एक दूध की इसकी वीडियो भी दिखा देंगे, कितना दे कितना गए खींचता खाली करा देंगे, और एक चीज और दिखा बिल दो, सारी संतुष्टि कराएंगे। यह वीडियो है भाई इससे गाय की है, जब बीआई जी ने मेरे यूट्यूब खातर बनाई थी, मुझे भाई इसकी एक वीडियो डाल दूंगा मेरे यूट्यूब के लिए, क्योंकि मैं आपकी तरह तो बाहर की तरह जाऊंगा नहीं, गा पिछान लियो भाई, यह है बछड़ा रहा ई बापा, इसकी एक चीज की डिटेल देवांगे, September 10, 2023 10:34 PM पे इसने बच्चा दे दिया, बच्चा दे दिया, ठीक है, तो ये मनु के दिया 5 दिन की ब्याई है या 1 दिन की ब्याई है, ये सारी इसमें डिटेल दे दी, दे दी बिल्कुल, यानी कि एक के दिन की इसने ब्याई ना हो। हाँ अच्छा, दूसरी बात है, कई भैया का एक दिक्कत और रह जाए अगर, वो अभी दिखाऊंगा जेर पूरी काट रखी, कई भैया का नु हो जाए भाई मारी गा का जेर रहेगी, मारो धोखा कर दिया, जेर की फोटो भी है, वीडियो भी है, फोटो वीडियो इसमें सारा सुधा है, सारी जेर काट रही है भाई, हाँ। कोई नहीं भाई, नहीं भाई, के नाम जेर रह जा, कई भाई इसका दूध और दिखा, हाँ दूध दिखा देंगे दोस्तों, संदीप डाणा ने बछड़ू छोड़ दिया है, आज तो हमने दूध भी दिखावांगे जिले वीडियो में, सारी चीज दिखा, पहला अपने टाइम दिखा दू भाई दोस्तों, अभी बताता हूँ आपको टाइम, गूगल प्लीज टेल मी द डेट और टाइम, भाई के दिक्कत बोले, गूगल टेल मी डेट और टाइम, गूगल प्लीज टाइम एंड डेट, ला भाई देखो 5:34 PM 12 सितंबर 2023 हजार तेईस, आज ही वीडियो डालेंगे भाई, देखो भाई
भाई ने नैना ला दिया, बछड़ू चुंगा दिया, ईब देखांगे कितना दूध है। जुकर बात चल रही थी नुए सच्ची से, अब जो दस्से मारे है या सारी चीज देखांगे आज। गस्से तो इब्नू है ना वो रवि भाई भी खींच तो खाली हो जाएगी। हाँ सारे भैया बीच में खींच तो खाली होगी। हाँ हाँ नू दिखा दी कट बच्चा जन्म दिया। हाँ तो यहाँ परशु सवेरा काटा क्योंकि इसने चेहरे गेरी थी पौने चार बजे। वो भी दिखा दूंगा उसमें मैं, पौने चार बजे गिरी सवेरा, फिर मैंने इसका बच्चा चुंगा क्योंकि रात की नींद होगी, तो मैं बोला बच्चा सवेरा चुंगा देंगे। एक थन इसने बच्चा नहीं पिया देंगे आपा, इसका पेट भर गया क्योंकि वह खीस का दूध अपना पाटा, और अब एक थन तो बच्चा नहीं पियाना चाहिए, पछड़ी होती तो मैं दो भी पिया दी, और अपना वैसे दूध भी वो काम का भी कोई क्योंकि वह फटा है, तो इसने पूरा पी लेगा। एक थन इसने पूरा पिया देंगे, तीन थन आ गई तो दूध दिखा दूंगा। ठीक है इस साइड तो होगी, दिखा दे पूरा थन खाली, पूरा एक थन अपना बछड़ू पी लेगा। हाँ और तीन थन का दूध आज वीडियो में ही दिखा होगा। हाँ तो ये भी ये तो ट्रायल के ऊपर बात है भाई, खीस तो खाली हो जाएगी यार, भैया ने पता लग जाएगा भैया कितना दूध तय खींच तो खाली हुई है, और बाकी सवेर का दूध नोट हो जाएगा। खींच तो खाली हुई जब कितना दिया है इसने, दूध तो कल का रिकॉर्ड होगा, दूध तो आगे बनाना चालू करे। हाँ कल से इसका वो हो जाएगा, खींच तो खाली कर देंगे आप। हाँ खींच तो खाली कर, इतना खींच तक खाली हुई है। हाँ अच्छा एक बात और बता संदीप है। हाँ भाई जो करो कहते खींच का खींच तो इतना खींच तक खाली हुई है, जो कर यार मैं भी इस लाइन में नया हूँ और क्या पता देखने वाले भी बहुत से बंदे नए हो, तो खीस तो खाली होने का महत्व है और दूध रखा भाई उससे हमें एक दूध की उम्मीद कर सका भाई। खीस से खाली होने के बाद गाय ने इतना दूध दिया या भैंस ने इतना दूध दिया, 10-12 किलो जो 16-17 के 15-16-20 में दूध की जो गाय हो है वह 10 किलो दूध तमाम खीस तक खाली होगी, तो फिर वो दिन भर दूध भर के वो 15-16 पर चल जाएगी, 15-16 पर चल जाएगी। जो 12-13 जो बड़ी भैंस है जो अच्छा दूध देवे है तो वो कितना दूध तक खीस तक खाली हो है। अच्छा इस तरह आइडिया लग गया है, आइडिया लग गया है उसका भाई, देख भाई कितना प्यार, एक थन पूरा प्या दिया है भाई, एक थन पूरा प्या दिया। अरे भाई थन ने देख सको हो आप, थन बिल्कुल जो कर पहला मैं दिखाया था, और ईव थन ने देख लो यानी कि एक थन इसने पूरा खाली कर। नींबू कितनी है निचड़ा है भाई, लेउटी नींबू की डाल निचड़ा है, और बाल्टी खाली करिए, सारा सौदा दिखावांगे भाई, बाल्टी में पानी छोड़ दे। अरे छोड़ दिन दे यार थोड़ा बहुत, तो मरा भी नहीं, धोखा थोड़ी करना है। ले भाई खाली भी करके दिखावांगे, ले भाई ये बाल्टी खाली कर देगा, ए ले मुट्ठी कर दे बाल्टी, ले भाई दोस्तों जमा खाली होगी बाल्टी, कर दे चालू ही भाई। ये धार दिखा दिए, धार दिखा देखो भाई रे, ज्यादा धार देख देने दे, एक धार देखिए तो बच्चा भी थोड़ा तंग करेगा। ले बेटा ये बनी हो जा पूरी मोटी धार जिसने आप कहता। अरे डीजे से बदम आ गया यार, दूध का है और फिर लुगाई काट लेते आदमी, काट लेते बड़ा काट लो, कोई काट लो दोस्तों। इस वीडियो का एक चीज और क्लियर हो जाएगी कि भाई जाके थना में कोई दिक्कत नहीं, फर्रा फर्रा कोई हो देख, इसमें भी कुछ दूध रह रहा है, पाँच पै देंगे इसमें भी देख ले भाई। हाँ ठीक है बिल्कुल भाई, बिल्कुल भाई कहीं सोचो इसमें कोई छर रहा है। हाँ हाँ मोटी धार जमानू बराबर की भाई, नेप सर की जो काग रहे चारू थना में इक्वल है। अच्छा संदीप एक बात और बता। हाँ भाई नू कह दे मैं इसके पछले थना में हो गया है ज्यादा दूध है, तो गाय के अगले में हो, गाय की अगाड़ी भैंस की पिछाड़ी गाय बताई गई है, बताई बड़ी गाय जो कर दिया अपन मान लिया खाली होगी जब पता लगेगा। हाँ ठीक है क्योंकि इसके चार उठाने एक शहर से है, जिससे गाय में कही अगले बड़े हो जाए पिछले छोटे हो जाए। अच्छा हाँ यानी गाय क्या गाड़ी में दूध ज्यादा भैंस की पिछाड़ी में, यह चीज भी भाई दोस्तों देखो नए भाई है उन्हें पता लगा, नए भाई उन्हें नहीं पता था, मैंने भी भाई जैसे जैसे फील्ड में घूमया पता लगा है भाई मेरे को भी इस चीज का, और बहुत सी चीज होती है भाई देखने की समझने की, तो जैसे जैसे फील्ड में घूमेंगे भाई ऐसी जानकारी होती है। आज देखते भाई यार कितना खींचते खाली होगी, और फिर उस हिसाब से दोस्तों दूध की क्षमता आप अपने हिसाब से लगा सको भाई, किसान साथियों और युवा साथियों। और देखो व्यापार किसी भी चीज का उसका भाई कोई भी कसकर ले भाई, देखिए बरे ये देख थाना कुकर नहीं चढ़ जाए, और फिर लेवटी दिखा दियो भाई, ये वेग थन का रह गया लड़का। हाँ ये वेग का रह गया, इसने और बैठ दे बराबर की धार चारों थना में इक्वल, कोई ऐसा कुछ नहीं है। देख धार या देखो भाई मोटी धार दिमाग, आज वीडियो में यह ज्यादा दिखाई है भाई, जितना दूध की गाय का रुका बैठ रहा है
तो कदे दायू संदीप डाणा सत्ता शाणा रेट फालतू नहीं बताना, इसी वजह से वीडियो बनाना भाई। ठीक कदे यू खाम खा अरे किसे किसान बोला किसान साथी ने चेप दे ज्यादा वीडियो बनाई है मैंने आज। अब भाई पर फिर भी भाई के नाम है वो अपना ना पीछे दे हुआ भाई कोई भी हो देखो पीछे सबकी कमाई के हैं तो तसल्ली तो लेकर जाओ या तो बेरी है मान ले चलो मैंने नू भी कह दी भैया दूध इतना ले रही है फलाना ले रही है चार टाइम अपना घर आके देखो भाई मानो आजकल तो लाइव सिस्टम भी है लाइव वीडियो कॉल ठीक है भाई अपने एक टाइम तो खाली करा ले वीडियो कॉल से दूसरी टाइम का देख लो सुबह आ गया एक टाइम खाली करवा ली शाम को जैसे आप खाली होगी ठीक है कल सुबह अपना बंदा आ गया कोई नजदीक का या दूर का दूर का है तो अपना वीडियो कॉल से देख लो और नजदीक का है तो अपना दो टाइम का आके देख लो सुबह अपने वीडियो कॉल से देख लो जो दूर का बंदा है और शाम तक अगला पूछ जाएगा कितनी दूर हो शाम ना अपना धार मार के देख लेगा मेरे हिसाब से कितना चीज तक खाली हो गया भाई ये तो बाल्टी में आ गया आ गए ये तो देख लियो भाई तीन थना का पतना खुद ने बेरा भी है मैं कल बाहर था दो टाइम माता जी ने दूध निकाला है ठीक है अब भाई देख लियो किसान साथियों जो थन बासड़ो ने पिया था वो थन छेड़ा नहीं है इसने गाय था इस वीडियो में थोड़ी सी लंबी होगी देखना जरूर भाई जिसने गाय जो तसली देख ले हुआ ना तो तसली तो पूरी वीडियो आप पे देख लेगा और कुछ दूध बाद में उतार दे देखियो जिसमें जिस तरह वो खाली हो गया था ना कुछ दूध था दे ले दोबारा दूध आ गया क्योंकि बच्चा आगे थप्पा मारने लग रहा है यहाँ खूब भी ये तो एक ट्रायल होता दिखाने लग रहा है अभी फीस तो खाली कर दी ये फीस तो खाली है कितना दूध दे है तीन थना का ये भी थन देख लियो ठीक है एक बार ये थन दिखा दियो भाई भाई देख लो ये भी कम से कम उसमें पाइया दूध होगा ये बच्चा नहीं छोड़ूंगा ये देखो बाल्टी दूर ना करे ना भाई देखो बाल्टी भी साथ मार लिया दिए साथ में भाई देखो बाल्टी खाली नहीं होने देवांगे इसकी साइड में कदे कर दे तीन पांच यू ले भाई पकड़न है मां ले फोन पकड़ा दे दूध पे आगे छका देगी या दूसरी बाल्टी रही ए देख कैमरा के सामने चल चल तू ले आउरा ये भी सुतर डाल दूंगा देखो भाई खाली है जमा हमें देखो एक वो खाली हो एक कप कप लेके दिए ले ले सारी चीज दिखावांगे कदे रुपये किसान साथी आप पैसे देते हो तो बढ़िया चीज के दो हो और पूरी तसल्ली के दो भैया देखो दूसरी बाल्टी ने बढ़ती मेरे हिसाब से इस बाल्टी में पांच एक किलो जरूर आता होगा साढ़े चार पांच किलो दूध ही भी हो है मुक्का पर पांच छह किलो की बाल्टी है चिप लीटर ना आप दें दम तरड़ा के तरड़ाने का उद्देश्य ये है कि भाई जगूड़ ना रहे जगूड़ ना रहे खत्म हो गया भाई दूध अपना पूरा तोल का हो जाए दे और भाई कांडा तोल का बोला है अगला अपना ना कांडा जी ने तोलना वो कांडा ले लिया होगा भाई अपने घर पे ले भाई संदीप बस एक तोल दे थोड़ा सा वीडियो लंबी होगी ले भाई ना छक्के तर डाल दिया होगा चालू है तू तोल दे वो आधा लीटर का नाप आधा लीटर का नाप से और वो कई भाई ना यो तोड़ के ना और आंगली का भी बहुत फर्क पड़ जाए 50 ग्राम का अच्छा अच्छा हाँ और फिर भी अपन ना जमा ठंडा दिखावांगे ठंडा बिल्कुल ठीक है तसल्ली है एक एक जब पूरा दूध आवा कंडा भी धर देंगे सही बात ठीक है दो तीन चार पांच छह यानी कि 3 लीटर तो ही लिया भाई तीन थना का दूध वही साढ़े चार कर लगभग मैं तुम्हें बताऊं था उतना ही बैठा था छह लिए थे नहीं सात
आठ जो पहिया घोर होगा यानी कि तीन ठंड है चार लीटर ये गिलास पहिया का होगा आधा नाप है तो बाकी भर के दिखा दूंगा हम ये देखो ठीक है चार मान ले चार मान ले चलो ठीक है यो मान ले थोड़ा और बहुत जग उड़ रहे हैं चार कितना हो गया चार किलो तीन थना का ये बनताजा लगा लेंगे एक थन का अपन दूध पूरा बच्चा तक पिया दिया बच्चा तो मैं अरे माड़ा तो माड़ा किलो दूध तो होगा किलो तो होगा पाया तीन पे गाड़ी दूर में किसे में तो मेरे हिसाब से कम डेढ़ किलो दूध किलो बना 10 किलो दूध तैयार चल रही है यानी कि 10 किलो दूध से फिलहाल चल रही है हाँ। और क्षमता दोस्तों खींचता खाली हो तो अपन ताजा लगा उसको 14 तो कितने नहीं गई यो तो जुगरी मेरे चैनल पे है ना ये मेरे चैनल पे मैं दिखाई दूंगा जी एक थन का दूध है ना उस पर कन्फर्म हो जाएगा एक थन का दूध कितना था खींचता खाली होती है और बाकी जिसमें मालिश का दूध तोल के अब 4 पे ले जाएगा भाई दोस्तों ट्रायल के ऊपर दिखाया है वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों मात्र 16 किलो दूध क्षमता की गौ माता आपको मिलेगी भाई दोस्तों 75,000 रुपए में वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना धन्यवाद दोस्तों।